please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान एक पंडाल के गिरने से करीब 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ता और पुलिस की टीम तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई, लेकिन इस घटना के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और पार्टी पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। मिदनापुर में अभी पीएम भाषण दे ही रहे थे कि एक पंडाल अचानक नीचे गिर पड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक पंडाल में पहले से ज्यादा भीड़ थी, ऐसे में समर्थक पंडाल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने लोगों को आग्रह किया था कि वो पंडाल के ऊपर न चढ़ें। आप जो चढ़े नीचे उतर जाओ। पंडाल के अचानक गिरने से वहां मौजूद कई लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और वो पंडाल में दब गए, जिसके बाद रैली में अफरा तफरी मच गई। यहां के जो ऑर्गेनाइजर्स जो हैं बीजेपी स्टेट यूनिट पार्टी का, उनका कहना है कि उनका एंटिसिपेशन नहीं था कि इतने ज्यादा लोग आज यहां पे आएंगे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की टीम को घायलों को पंडाल से निकालने का निर्देश दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मिदनापुर में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे के बाद मची अफरा तफरी पर जल्द ही काबू पा लिया गया। उधर एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया। खुद प्रधानमंत्री जब घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे तो वहां पार्टी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अस्पताल में प्रधानमंत्री घायलों से मिले और जब बेड पर इलाज करा रही एक महिला ने प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ देने की ख्वाहिश जताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। पीएम ने अस्पताल में दूसरे घायलों से भी मुलाकात की, लेकिन पीएम की रैली में हुए हादसे पर सियासी हमला शुरू होते देर नहीं लगी। मिदनापुर की रैली में प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, इसलिए हादसे पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मिदनापुर रैली में घायल हुए लोगों की हमें बेहद चिंता है, रैली के आयोजकों को इस लापरवाही की जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने हादसे में अपनी गलती मानी, लेकिन पार्टी ने ठीकरा समर्थकों के सिर पर फोड़ा। कोई रिस्क नहीं था ऐसा, लेकिन अत्यधिक प्रेशर और नौजवान लोगों का जोश के कारण वो चढ़ गए, इसलिए एक तरफ झुक गया। वहीं कांग्रेस ने हादसे के बाद पीएम और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। लोग कराहते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे और मोदी जी सत्ता की भूख में अपना भाषण सुनाते रहे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि मिदनापुर रैली में जख्मी हुए लोगों के जल्द ठीक होने की हम प्रार्थना करते हैं, सरकार इलाज के लिए हर तरह की मदद मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र में किसानों के दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के बीच मुंबई में दूध के टैंकर को पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। दूध की खरीद के दाम में 5 रुपए बढ़ाने और दूध से बनने वाले उत्पादों पर जीएसटी हटाने की मांग को लेकर स्वाभिमानी संगठन के लोग सड़कों पर हैं। दूध की आपूर्ति रोक रहे हैं। हालांकि सरकार ने 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध के दाम बढ़ाने की बात मान ली है, लेकिन किसान 5 रुपए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से कथित तौर पर कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने वाले विवाद पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में उर्दू अखबार इंकलाब में छपी खबर के बाद के बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नदीम जावेद ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान दावा किया कि इस बैठक में राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कमजोरों की पार्टी रही है और यही बात राहुल गांधी जी ने भी कही है, जो गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का नजरिया गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का नजरिया फिक्र है। कांग्रेस नेता नदीम जावेद की सफाई के बाद भी बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया। कांग्रेस का नकारना एक महज पाखंड है। कांग्रेस एक घोर सांप्रदायिक पार्टी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए, जिसके बाद राहुल गांधी पर उर्दू अखबार की रिपोर्ट को पहले ही खारिज कर चुकी कांग्रेस एक बार फिर सामने आई और उसके नेताओं ने बीजेपी पर 2019 में होने वाले चुनाव की वजह से मतदाताओं को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब हिंदू मुसलमान का खेल खेलने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस भले ही बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही हो, लेकिन उर्दू अखबार इंकलाब अपनी रिपोर्ट पर अब भी कायम दिखा। मैंने उनसे कल बात की और कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं लिखा और जो आपने लिखा है वो सही है। अखबार ने बीजेपी और कांग्रेस पर मुसलमानों के मुद्दे पर सियासत करने का भी आरोप लगा दिया। बिहार के भोजपुर में सीपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने एक महिला के गैंगरेप और इलाज के समय उसकी मौत के बाद नाराजगी जाहिर की और सड़क पर जाम लगाकर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भोजपुर SP और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हो इस
बीच जाम खुलवाने पहुंचे प्रशासन के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। छोटी छोटी बच्चियां हैं, कल वो सियानी होगी, उनकी शादी कैसे होगी, मुआवजा मिले, बलात्कारियों की गिरफ्तारी हो। बताया गया कि शनिवार को एक महादलित महिला को 3 लड़के जबरन अपने साथ ले गए और आरोप है कि उसका गैंगरेप किया। यही नहीं, गैंगरेप का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला की पिटाई भी की और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए आरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। महिला के कथित गैंगरेप और मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा, बिहार को बलात्कार प्रदेश में तब्दील करना ही नीतीश चाचा की उपलब्धि है। खुलासा मियां उर्फ उप मुख्यमंत्री साहिब, कुछ लोक लाज बची है कि नहीं? मुंह नहीं खोल सकते तो एक ठोस ट्वीट इस पर भी कर दीजिए। धिक्कार है बलात्कारियों और गुंडों को संरक्षण देने वाली बीजेपी नेतृत्व की नीतीश सरकार पर। इस बीच परिवार ने पुलिस पर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करवाने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी की किसान रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया। इसी जनसभा में आए किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले बीजेपी की कृषक कल्याण किसान समावेश रैली में पीएम का पारंपरिक टोपी और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद बिना वक्त गंवाए प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। ये सिंडिकेट है जबरन वसूली का, ये सिंडिकेट है किसानों के लाभों को छीनने का। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की शुरुआत में ही सीएम ममता पर सीधी चुटकी ली कि आज मेरे स्वागत में उन्होंने भी इतने झंडे लगाए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हमारे किसान भाइयों बहनों की विजय है। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी ट्वीट के जरिए पीएम के खिलाफ मोर्चा संभाला। टीएमसी ने पीएम के एक एक आरोप का जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी नेताओं से बेहतर सिंडिकेट के बारे में कौन जानता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रशासन के कुछ अधिकारी लाउडस्पीकर की मदद से वहां के लोगों को निर्देश देने लगे। ये अधिकारी केवल 3 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में फंसे लोगों को निकालने वहां पहुंचे थे, लेकिन सड़क पर पानी भरने की वजह से अधिकारियों ने उन्हें ऊंची जगहों पर जाने का निर्देश लाउडस्पीकर से दिया। बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां सड़कों पर आधी डूबी नजर आईं। इस बारिश से शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर भी पानी लबालब भर गया, जिससे होकर लोग गुजरते दिखे। बारिश का पानी कई गलियों में भरने से कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के बाद कश्मीर और पाकिस्तान दोनों जगहों के युवाओं ने आतंक की दुनिया से दूरी बना ली। लाख कोशिश के बावजूद आतंकियों के साथ जुड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं, लिहाजा पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों के युवाओं को घाटी में उतारने की चाल चली, जिसमें हाफिज सईद भी शामिल है। ऑपरेशन ऑल आउट फेज 1 में ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, उनका मनोबल गिर गया। इससे वैली के अंदर भी घबराहट है युवाओं को आतंकवाद के साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान और हाफिज की साजिश का पर्दाफाश सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों से हुआ। ये पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप है, इनमें ज्यादातर पाकिस्तान के लोग हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग नाम से चलाए जा रहे हैं, जिनमें लश्कर ए तैयबा नाम के ग्रुप में 178 लोग शामिल हैं। इस ग्रुप को पाकिस्तान में बैठे सैमुल इस्लाम और उजैर भाई नाम के 2 लोग चलाते हैं, जिनके मोबाइल नंबर भी पाकिस्तान के हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप इसी साल 25 मार्च को बनाया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में इन दिनों ऐसे करीब 800 व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल करने के लिए बरगलाना है। साथ ही घाटी में आतंकवाद की जड़ों को फिर से जमाने की कोशिश है। ऐसा ही एक और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका नाम है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी साल 4 फरवरी को बनाया गया, जिसमें 33 सदस्य हैं। इसी तरह एक और भड़काऊ व्हाट्सएप ग्रुप तहरीके आजादी है। इस ग्रुप के मोबाइल नंबर से साफ है कि इसे भी पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जब इनकी पड़ताल की तो पता चला कि हाफिज के व्हाट्सएप ग्रुप में सीरिया, लीबिया, तुर्की और ईरान के युवा शामिल हैं। आतंकी संगठन लश्कर के सरगना हाफिज सईद की इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। यूपी में योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों की जांच की मांग की है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए दावा किया कि अधिकारी नाम और प्रमोशन पाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। गाजियाबाद में एसओ सस्पेंड हुआ, वहाँ पूरी फोर्स सस्पेंड हुई, फर्जी एनकाउंटर हो गए। कभी कभी
नाम कमाने के चक्कर में कुछ अधिकारी कभी कभी गलत कर जाते हैं। अगर कोई ऐसी घटना अगर हो जाती है जिसमें है कि नहीं ये गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर दो सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है। आनंद विहार दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और एक बड़ा सा बस अड्डा भी है। जल्द ही यहां दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाली रैपिड रेल का स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसके बाद रैपिड रेल के स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन को जोड़ने पर काम किया जाएगा। इसके लिए रैपिड रेल के अंडरग्राउंड स्टेशन के दोनों ओर सुरंग बनाई जाएगी। इनमें एक सुरंग आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी और दूसरी सुरंग कौशाम्बी की तरफ जाएगी। इसके बाद रैपिड रेल से आनंद विहार बस अड्डे को जोड़ने के लिए एक स्काई वॉक तैयार किया जाएगा। स्काई वॉक पर ऐसा फुटओवर ब्रिज होगा जिस पर लोगों को चलने की भी जरूरत नहीं होगी और केवल खड़े होने से वो खुद ब खुद मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह के स्काईवॉक के जरिए रैपिड रेल से मेट्रो स्टेशन को भी जोड़ा जाएगा, यानी दो स्काईवॉक और दो सुरंग बनने के बाद ट्रांसपोर्ट के चारों रास्तों तक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग के मसले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के अलावा बाकी सभी चीजों दिल्ली सरकार के अधीन रहेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तलवार खिंची रही। इसको लेकर आज कुछ तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल को चिट्ठी लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता कमलनाथ को भी महाकाल का जवाब आ गया। महाकाल की सवारी नंदी की ओर से भेजा गया यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। इस खत को लेकर यह दावा किया गया कि हाल ही में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने महाकाल को जो चिट्ठी लिखी थी, ये खत उसी का जवाब है। वायरल हो रहे खत में लिखा गया, प्रिय कमलनाथ, आपका पत्र मिला। महादेव को मैंने स्वयं पढ़कर सुनाया। प्रभु बहुत भोले हैं, उन्होंने आपकी बातों पर विश्वास करके आपकी इच्छा पूरी करने की बात कही। वायरल हो रहे खत में आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस घटना के लिए निशाने पर लिया गया जिसमें उन्होंने एक कार्यकर्ता से नारियल लेने के बाद फेंक दिया था। खत में लिखा गया कि महादेव ने कांग्रेस के लिए अपना आशीर्वाद एक नारियल के रूप में आपके अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाया, किंतु उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। मैंने भोलेनाथ से स्वयं आप सब लोगों को सद्बुद्धि देने की विनती की है, ख्याल रखिए। हालांकि इस खत को लिखने वाले ने कहीं भी अपनी पहचान का जिक्र नहीं किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हो रहे इस खत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने इशारों में वायरल खत के पीछे बीजेपी की साजिश होने का आरोप लगा दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से उनके बिना सिग्नेचर के चिट्ठी वायरल कर रही है, ये अपने आप में भगवान भोलेनाथ का मजाक है और नंदी का मजाक है। वायरल खत सामने आने के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता कमलनाथ पर कटाक्ष किया। कमलनाथ जी तो बुजुर्ग नेता है, जाने आने में दिक्कत होगी, इसलिए भगवान को भी संदेश के माध्यम से वो संदेश पहुंचा रहे होंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ये वायरल खत भी उसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या के बराबर लोगों को आधार नंबर दे दिया गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या करीब 121 करोड़ थी और 15 जुलाई तक देश में आधार नंबर रखने वालों की संख्या 121 करोड़ 75 लाख तक पहुंच गई। अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या का करीब 92% है। UIDAI के मुताबिक देश की जनसंख्या 15 जुलाई तक करीब 133 करोड़ 50 लाख थी। देश में केवल 35 लाख युवा ऐसे बचे हैं जिनका आधार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की तुलना विराट कोहली से करते केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने केंद्र की नीतियों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को विराट कोहली बताया। नरेंद्र मोदी इज आल्सो वेरी गुड बैट्समैन, नरेंद्र मोदी इज एज गुड एज विराट कोहली। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बलिया तक नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र पर हमला किया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद एक पार्किंग की दीवार ढह गई, हालांकि वहां खड़ी कई गाड़ियां गड्ढे में गिरने से बच गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक चलती कार में आग लगने के बाद उसमें बैठे 5 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के जोधपुर में सोशल मीडिया पर सोना बेचने के नाम पर ठगी के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाल में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान करने वाले मोहम्मद कैफ ने फिर चुनाव लड़ने से इनकार किया। टेनिस खिलाड़ी दिविज शरण विंबलडन में शानदार प्रदर्शन की बदौलत अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 36वें स्थान पर पहुंच गए।
ऐश्वर्या बच्चन अपनी बेटी के साथ पेरिस में मस्ती करती नजर आईं। टीवी कलाकार हिना खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जिम में पसीना बहाती दिखी।